गिरी, क्या है उसमें? क्या गिफ्ट दिया तुमने गौरी को? बेटा, खोल कर दिखाओ इसे। दोनों में एक जैसी घड़ी, जुड़वा के लिए गिफ्ट भी जुड़वा। अरे ज्यादा हंसो मत, वरना थक जाओगे। रुको रुको, गाड़ी रुको। नहीं नहीं नहीं, सीधे चलो, कोई एक्सीडेंट का मामला लगता है, हम मुसीबत क्यों मोड़ ले। ए, रुकना नहीं, सीधे चल। Jesus, come, children, come with me, come. Ah. Papa, यही हमारा घर है। मिशेल, टेरेसा, आए पापा, इधर आओ। आज से ये दोनों तुम्हारे साथ ही रहेंगे। ओके पापा, ओके पापा। इन्हें अंदर ले जाओ। आओ, चलो। बचपन की मीठी यादें सरगम, अन्हा मन्हा बचपन सुंदरम, बचपन की मीठी यादें सरगम, मन चाहे इनमें खोया रहूं। बचपन की मीठी यादों की सरगम, अन्हा मुन्हा बचपन सुंदर।
बुके कितने का है? 50 रुपए का बहन जी। थोड़ा कम करो ना भैया। क्या कम करूं बहन जी, हाँ? अरे ए, उस कार में कम से कम 3-4 लोग होंगे। हाँ हाँ, अरे चलो चलो देखते क्या हुआ। अरे अरे, अरे क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। गिरी भैया आ गए। चलिए सब लोग पीछे चलिए। ला ला ला। रस्सी नीचे डालो। मैं नीचे जाता हूँ। हाथ दो, रस्सी खींचो, संभाल के आराम से। अब गिरी भाई, रस्सी फंस गई है। गिरी, ये क्या किया? रस्सी इधर फेंको, फेंको। रो मत, रो मत, घबराओ मत, घबराओ। कार के बाकी लोगों को भी बचाना होगा, मैं नीचे जा रहा हूँ। ये खतरनाक है। हर चीज में खतरा है, तुम ऊपर जाओ, जाओ। रोक चेयर दो, रोक चेयर। भगवान ने बचा लिया। हाँ ठीक है, ओके। चलो। लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स डैमेज है शायद। अब मेक इट फास्ट। आराम से, संभाल के। आने दो। मेरे बच्चे कैसे हैं? आप चिंता मत कीजिए, आपके दोनों बच्चे बिल्कुल सेफ हैं। पैसे भी हैं। जाओ जाओ जाओ। अरे बाप रे, सुनी लिया, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मुझे मारो। अच्छा, मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ? नहीं सुनी, मुझे गिरी भाई ने बोला है तूने उस आदमी का पर्स चुराया है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। अरे भाई, मैंने पर्स नहीं चुराया। तो फिर उसका पर्स नीचे गिर गया था, मैंने उसे संभाल कर रख लिया। तेरी कोई गलत बात है क्या? अबे कुमार, तू बता दे क्यों चुराया, वरना तू जानता है कि कितनी मार पड़ेगी। पर्स तो मैंने संभाल कर रख लिया, लेकिन उसमें जो पैसे थे वो नहीं संभाल पाया, क्योंकि मेरे हाथ में पैसे रुकते नहीं है ना, तुम लोगों को तो पता है, फिर भी मुझे मार रहा है। दीदी गर्मा गर्म चाय ला रही है विम पाउडर के साथ। उसमें तो थोड़ा ही विम दिख रहा है मुझे। लाले का काम अभी, तेरी तो अभी निकल चलेगा, बाकी सब चाय पीने के बाद। मेरी प्यारी गौरी दीदी, माँ के सामने आज से कोई गलती नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लाल रंग के कप में चाय मत दो, मुझे और मत रुलाओ। तुम इसे पियोगी ना तो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। मैं नहीं पीऊंगा। जानते हो तुमने घायल आदमी की चोरी की है। रुको, पहले इसे पिलाओ, उसके बाद तुम पीना। इसे पी कर मेरी सारी आदतें साइकिल के ट्यूब बन गई है। इसे तुम ही पियो भाई। पी इसे, पी जल्दी, जबरदस्ती मत करो, पी रहा हूँ ना। मैं पापा के पास जा रही हूँ, गिरी पूछे तो बता देना। ठीक है दीदी। अरे राजीव भाई, एक काम और करो ना, इस क्रेन के साथ झूलते हुए मुझे जरा टॉयलेट में बिठा दो ना। पापा, आप इसे ऐसे ही क्यों देख रहे हैं? मिशेल को आने दो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
आप चलिए अंदर। देखो तुम्हारे पति लुईस को तो बोल सकता हूँ, लेकिन मिशेल खुद इस मामले में पढ़ना चाहता है। यहाँ तक कि वो अब मेरी भी नहीं सुनता, कुछ भी कहो तो चिल्लाने लगता है। इसलिए मैंने गौरी को बुलाया है। क्या प्रॉब्लम है पापा? टेरेसा दीदी क्या हुआ? ये उस पाटिल का किया हुआ काम है। बेटी बात असल में ये है, पाटिल को हमें पैसे देने हैं। जब लिकर बिजनेस का हिस्सा हुआ तो मैंने अकाउंट बंद करके उसे 35 लाख का चेक दे दिया था, लेकिन उस बेईमान ने रात ही रात में 40 लाख का स्टॉक गोडाउन से उठा लिया। और ये जानने के बाद पापा ने पेमेंट स्टॉप करवा दी। अब वो पैसा उसे चाहिए, यही उसकी प्रॉब्लम है। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीधा गोडाउन जाओ। ठीक है भाई। ब्लैडी पाटिल यहाँ भी आ गया है। अरे वाह, पीटर साहब की कार तो बहुत सुंदर लग रही है। तुम यहाँ से चले जाओ मिशेल। ए, तुम्हारे पति ने भी यही कहा था ना कि पाटिल के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी। हे भगवान, बच्चों ने तो उस पर भरोसा किया ही था, लेकिन इन्हें तो समझ होनी चाहिए थी। सुनिए, वो पैसे लिए बिना चुप नहीं बैठेगा। केस के झमेले से बचना है तो उसे पैसे दे दीजिए। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कहीं तुमने उसके साथ मिलकर स्टॉक तो नहीं चुराया? अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? कुछ साल पहले भी आपने मुझे बिना मतलब के सबके सामने चोर कहा था। आपको मुझ पर भरोसा तो है नहीं। काले पैसे सफेद पैसे मैं भी जानता हूँ। उस केस में मुझे पैसा मिला, इसीलिए इसके भाई गिरी ने मेरी शादी नहीं करवाई इससे। एक चोर से कौन अपनी बहन की शादी करवाएगा? पापा वो बात दोबारा मत दोहराओ, बेवजह गिरी को कोसने के लिए। बस भाई और बहन को अब बुढ़ापे तक खुशी खुशी जीने दो। गौरी तुम ही अब गिरी से बात करो कि वो जाकर पाटिल से बात कर ले। गिरी कुछ नहीं कर सकता। पाटिल से टकराने का मतलब एक जंगली सुअर के साथ कुश्ती लड़ने जैसा है। नहीं पापा, आप चिंता मत करो, गिरी को पाटिल से बात करने दो, मैं भेजूंगी ना। हे भगवान बचा ले, अगर मैं गलत नहीं हूँ कार वहाँ है तो गिरी भाई भी घर पे ही होंगे। लेकिन ये ऊपर कौन आ रहा है? आओ आओ, यही उसका ऑफिस है, ऊपर ही होना चाहिए। हे भगवान, केस मिल गया मुझे। यस एडवोकेट लॉरेंस। पहुँचे नहीं अभी। क्लैक क्लैक क्लिक क्लिक लोक लोक लो, सुरेश मैदान में खेल रहा था। आप एडवोकेट मनीलाल? आमतौर पर लोग मुझे यही बुलाते हैं। अगर प्यार से बोलना चाहते हो तो मुझे मनीलाल कह सकते हो। हम जानते हैं कि तुम लॉरेंस वकील हो। अब हमें ये बता दो कि एडवोकेट मनीलाल का ऑफिस कहाँ है? केस क्या है? केस बहुत ही सिंपल है, भाई ने मजाक मजाक में एक आदमी को पीट डाला और वो गिर कर मर गया। मजाक मजाक में मारा और मर गया। और उनको इस केस से बचाने के लिए इस शहर में सिर्फ मनीलाल ही एक ऐसे वकील है, और इस केस को निपटाने के लिए भाई 5 लाख रुपए भी दे सकते हैं। पैसे तैयार रखे हैं। बैठो 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 हैं? बैठो। क्यों भाई? बाबू 3 चाय। देखो मिस्टर्स, अगर तुम वो 5 लाख रुपए मुझे दे दोगे तो वो केस मैं हैंडल कर सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें बात करनी पड़ेगी। बात करनी पड़ेगी? अगर उस मर्डर के लिए मुझे 5 लाख रुपए दोगे तो मैं तैयार हूँ। बोलो तैयार हो कि नहीं? है? किस बुद्धू के पास? अरे रुको भाई, देखो मैं 1 लाख में भी करने के लिए तैयार हूँ। बहुत दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है। अरे यहाँ बैठे रहेंगे तो हम लोगों को चाय के भी पैसे देने पड़ेंगे। अरे रुको भाई, अरे कैसा का दिमाग खा रहा है। ये लोग भी शायद मनीलाल सर को ढूंढने आए होंगे। अरे सर, इतने टाइम तक लंबे पाइप में झांकने से कुछ नहीं होने वाला। आप वकील हो या फॉरेस्ट रेंजर पता नहीं। तेरी चाची का पति हूँ मैं। चाय बर्बाद मत करो, एक तुम भी पी लो। चलो। मैं नहीं पीऊंगा, मेरा पेट खराब हो जाएगा। फटे हुए दूध की है ना? आप तो पी लो, आपको तो अब तक आदत हो गई है ना। तो क्या अब उधार बंद? अगर आपने पैसा नहीं दिया तो मैं ये पाइप अपने साथ ले जाऊंगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर इसको तुम अपने पास ले जाओगे तो इससे तुम फूं करके आग ही जलाओगे। अगर ये मेरे पास रहेगी तो गिरी भाई कहाँ जाते हैं कहाँ आते हैं मैं उनको देखता रहूंगा। अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो मैं उसे भी देख सकता हूँ। मुझे केस मिल जाएगा, तुम्हारा उधार चुका दूंगा। चलो ठीक है, लेकिन मुझे मेरा पैसा चाहिए। दे दूंगा पैसे, मरा जा रहा है। पैसे मांगते हुए शर्म भी नहीं आती। मिल गया केस। पाटिल कहाँ है? पाटिल, पीटर साहब मेरे फादर नहीं है,
फिर भी मैंने उनको फादर से ज्यादा माना है। ये हमारी प्राइवेट कहानी है, लेकिन ये कहानी समझौते से खत्म की जाए या फिर दूसरे तरीके से? लेकिन समझौता तो बेटा उस समय नहीं हुआ था। वादा करने के बाद पीटर ने मुझे चेक दिया, लेकिन बाद में वो रास्कल बैंक में स्टॉप पेमेंट करवा दिया। मामले को बातचीत और शांति से हल कर लो, ये गलत भाषा बिल्कुल नहीं चलेगी। तो रहने दो, शांति से ही सुलझाना है तो मेरे पैसे वापस कर दे, बात खत्म। काफी नहीं है पाटिल, और वो जो 40 लाख स्टॉक बैलेंस है ना, वो स्टॉक 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 क्या है ये स्टॉक? ठीक है, वो 40 लाख का स्टॉक किसने चुराया है मैं जानता हूँ, तुम्हारे मरे हुए बाप ने चुराया है, मुझसे बात करता है, जा अपना काम कर। हेलो पाटिल, आज से कोई समझौता नहीं होगा। तुमने ये कांच क्यों तोड़ा? मारो उस साले को। जाओ मारो उसे। Hey, मारो इसे। अरे बाप रे। ये खेल खेल रहा है। अरे कार इधर ही खड़ी है, वो भी यहीं कहीं होगा। हेलो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, तुमने मुझे मजबूर किया। खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ, बाकी बाद में देखेंगे, है ना? ये तो इधर ही है। आ, वकील पहुंच गया। गिरी भाई एक छोटा केस तो हमें दे दो। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक केस देता हूँ, ठीक है? ए, ये वकील तुम्हें जो भी चाहिए समझा देगा। पाटिल को रोड पर ले जाओ, पुलिस को फोन करो और किसी ट्रक का नंबर बता देना, फिर एक्सीडेंट की भरपाई हो जाएगी। देखता हूँ तुम कितने काबिल हो। ए, कहाँ चले? मैं अपना वकील का कोर्ट तो लेकर आऊंगा। जरूरत नहीं है, जो भी तुमको चाहिए वो दे देंगे। जाओ। लगता है कोई बम ब्लास्ट हुआ था, नहीं ट्रेन एक्सीडेंट होगा। आईपीसी 300 के लिए थोड़ा ज्यादा चाहिए, उससे हम कुछ कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें है, आप जरा अपना नाम पता बताइए, सही सही बताइएगा, ठीक है? मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। इसको अच्छी तरह से एड्रेस समझा दो। थैंक्स। नमस्ते। बताओ मुझे पाटिल। भगवान। अरे 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 मुझे मत मारो, अरे होश में आने के बाद मैं उठकर कहीं चला जाऊंगा। तुम लोग जाओ यहाँ से। अरे मुझे मत मारो, मैं बेहोश पड़ा हूँ। क्या हुआ? लगता है मेरा ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया है। तुम वकील हो ना? आप तो मैं एक फकीर हूँ। हमें पता था ये सब पाटिल ने किया होगा, इसीलिए हम आपके साथ नहीं आए। जब हम अकेले होंगे अटैक करेगा। चुप कर गधे, बाहर अकेले कौन जाएगा? लेकिन गिरी भाई आप सावधान रहना, जब गौरी दीदी को पता चलेगा अटैक तो तब होगा। तो मैं से कोई भी इसे कुछ नहीं बताएगा, अगर उसे पता चला तो मेरा फेवर करना, ठीक है? गौरी दीदी को पता ही नहीं चलेगा। देखो इसे, तुम लोग सीखो इससे कुछ। इससे सीखा तो एक दिन आपके हाथ से हमें मार खानी पड़ेगी। गिरी भाई जरा फिर से कहना क्या कहा तुमने। हमें भी मारोगे तो हम कुछ नहीं बताएंगे गौरी दीदी को। ये लो और सबको सैलरी दे दो। नहीं चाहिए, इंक्वायरी कलेक्शन आ गया है। ओहो, इसकी सैलरी को इसकी बीवी के नाम पर मनी ऑर्डर कर दो, ठीक है? साथ ही चिट्ठी में ये भी लिख दो कि वो आकर मेरी जगह जॉब कर। तुम्हारे कहने का मतलब ये कि तुम यहाँ काम कर रहे हो इसलिए सैलरी दे रहा हूँ तुम्हें? ये बात तो बिल्कुल मत सोचना। गिरी
ओह, मुझे इस मुसीबत को संभालना होगा। मैं लड़की के आसपास घूमता रहता हूँ और वो बहन के आसपास, जैसे मम्मी या चाची आई हो इस तरह डर रहा है वो। अरे धीरे, गिरी भाई सुन लेंगे। हाँ, गिरी भाई सुन लेगा, जाने दो उसे। मैंने क्या कहा? तुम्हें तो कुछ नहीं कहा ना, फिर मुझे क्यों मार रहे हो? ये उसके लिए नहीं जो तुमने कहा, ये उसके लिए था जो तुम कहने वाले थे। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो वही करूंगा जो मैंने कहा, तुम भी तो वही करोगे, बात घूम फिर के वही पहुंचेगी। कुछ कहा तो ये होगा, तुम्हें समझाना बेकार है, छोड़ो रहने दो। गिरी, मैंने जाकर उससे बात करने के लिए कहा था ना। देखो, बातचीत से कुछ खत्म नहीं होने वाला, इसलिए मैं चला आया और पाटिल को एक दो दिन में एडजस्टमेंट करने के लिए छोड़ आया। अब नल खोल दो ना प्लीज। ओहो, तो तुम एडजस्टमेंट करना भी जानते हो। हाँ, वो तो है। ये लो, रुको, नहाओ मत, आज इसी से एडजस्ट कर लो ना। मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए भेजा था, तुम्हारे सामने तो कोई कुछ नहीं है, खुद पर जैसे जैकी चैन सवार हुआ हो, तुम नहीं सुधरोगे कभी, मेरे बारे में तो सोचा करो ना। बस तुम्हारे बारे में, और बाकी? बाकी क्या? तुम्हारे अलावा सोचने के लिए कुछ है भी तो नहीं। ओहो, मैंने कोई जोक सुनाया तो तुम्हें उस पर हंसना तो चाहिए ना। स्टॉक पाटिल ने नहीं चुराया था, जब उसके हाथ पांव तोड़े, कमर की हड्डी तोड़ी, तब उसने बताया। पता है चोर कौन है? तुम बताओ। मिशेल, लेकिन मैं बताना नहीं चाह रहा था। तुम ना, अरे अरे, ये देखो, अब ये तुम जो कह रहे हो मेरे लिए सच है, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं कर सकती बिल्कुल भी। तुम यकीन नहीं करोगी, तुम आग से देखने के बाद भी यकीन नहीं करोगी, लेकिन जो मैंने कहा वो सच है, उसने और तो और अपने ही बाप को धोखा दिया है। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मेरे लिए वो वही रहेगा, हालांकि जानता हूँ कि तुम्हारा दिल उसके लिए साफ है। हाँ, ये सच है, लेकिन मैंने कभी गिरी की आंखों से उसे नहीं देखा है। और तुम उसकी वजह से बार बार शादी को टाल रही हो, है ना? मैंने पहली और आखिरी बार किसी के लिए प्यार महसूस किया था, ना का फैसला तुम्हारा था, मैंने कभी मना नहीं किया, अपने सुखी परिवार में मैं किसी तीसरी को नहीं चाहती हूँ, यही सच है। अच्छा, क्या मैंने तुम्हें उसे मारने को कहा था? भगवान, ये फिर से शुरू हो गई। अरे सुनो भाई, एक पैग और दो, एक टेबलेट खानी है, सोडा कम डालना, थोड़ा हंस के डालो भाई, ये हुई ना बात। सर, बिल सर। तुम रख लो, तुम्हारे पास पैसे नहीं क्या? हेलो, पुलिस स्टेशन। कहाँ है? वहाँ है। अरे धीरे भाई। लेट मी ट्राई, गिर गया तो पकड़ लेना जरा। सर, ये लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, किसको पीटा तुमने? नहीं सर, ये लोग गिरी भाई से मिलने आए हैं। ओ अच्छा, तो थोड़ा वेट करो। नहीं, शादी कर ली क्या? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? गाड़ी देकर कहा, किसी ने टांगे तोड़ दी। उस लॉटरी वाले की शादी करवाई ना, तो मुझे उसने गिफ्ट ने दी है। अगर मैं कहीं बाइक से नीचे पैर रखना भूल भी गया ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर कोई पीछे से ठोक दिया तो सीधा ऊपर। घर में कोई है क्या? कितनी बार बोला है कि शादी का नाम लेके बार बार यहाँ बताया करो। हाथ क्यों हिला रहे हो? ओ, समझ गया, तुम्हारी शक्ल देखते ही समझ गया था, तुम दोनों का मिजाज अभी भी वैसे का वैसा ही है। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ। तुम दोनों के लिए मैंने 3-4 रिश्ते देखे हैं, उसे दिखाने के लिए ही मैं आया हूँ।
एक बार देख तो लो, ब्रोकरी की बिल्कुल चिंता मत करना। क्या? यानी शादी नहीं करोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना? शादी नहीं करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। नहीं 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 नहीं, जब हमारा मूड बदलेगा आपको बता देंगे। एक बार इनको देख लोगी तो तुम्हारा मन बदल सकता है, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। और मेरी टोपी के लिए एक सोने का पंख मिल जाए, एक नहीं दो दो। मैं तुम्हें दो बार ठोकूंगा, थोड़ा प्यार से नहीं बोल सकते? ये कोई कश्मीर है कि प्यार से बोलूं? ये उससे भी कहीं ज्यादा है। ये लो। ये क्या, एक ही नोट दिए? एक में पूरे 500 है। 500 रुपए? हाँ। प्रदीप कुमार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 37 साल, अभी तक शादी नहीं हुई है। हमें बिना शादी वाली चाहिए। हाँ मुझे पता है। आगे। अच्छा है तुम यहाँ तक आए हो, अब चाय पी के जाना। हाँ ठीक है। अरे बाप रे, नहीं नहीं, चाय नहीं चाहिए, चाय नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूँ, ये लाल कप की चाय नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ, इसके लिए अलग से पैसा लूंगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है वो नहीं समझेगा, दोबारा आया तो इसकी तो। इन दोनों को फिल्मों में जाना चाहिए। ए सुनो सुनो, कुछ दिनों के लिए इस तरफ मत आना, ठीक है? अच्छा सुनो, कुछ भी जादू टोना करो लेकिन मिशेल के लिए लड़की ढूंढो, जब तक वो बेवकूफ शादी नहीं करेगा ये भी शादी नहीं करेगा। अगर मैं उधर गया तो मेरा सिर काटने के लिए बैठा होगा वो। गिरी, अगर तुम मुझे भेजना चाहते हो तो ये सब ड्रामे की जरूरत नहीं है। जब भी तुम मना करती हो मुझे नई कोशिश करनी पड़ती है, मेरी तरह से सोचो तब तुम्हें समझ में आएगा। गिरी प्लीज, अगर मिशेल चोर है तो मुझे कोई दूसरा अच्छा लड़का नहीं चाहिए। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हम दोनों के लिए यही अच्छा है और ये काफी भी है। आओ। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तब मैं ससुराल में था, वो हाईवे का बड़ा ढाबा ही मेरा ससुराल है। आपको हर महीने छुट्टी कैसे मिलती है सर? हर महीने मैं शीला से मिलता हूँ लेकिन महालक्ष्मी मुझे मिलने नहीं देती। मेरी जिंदगी में जो गलती मुझसे हो गई है वो तुम मत करना, सिर्फ एक मिनट में ही सब कुछ बदल गया। क्या बात है आज यूनिफॉर्म में? जब मैं अच्छे मूड में होता हूँ तो कभी कभार ये यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ। सुनो, ये जान बचाने वाले से मिलने आए हैं, जैसा कि हर बार मान सम्मान में होता है वो सब करने। जो कहना है कह दो, जो देना चाहते हो दे दो, और पैर पड़ना है तो पैर भी पड़ लो। सर समझ में नहीं आ रहा आपको धन्यवाद कैसे कहूँ। जिंदगी का फैसला भगवान के हाथ में है, धन्यवाद उससे बोलो। और रही बात फायदे की, हम कोई भी काम फायदे के लिए नहीं करते। आज के टाइम में इस तरह के केस में कोई सामने नहीं आता, कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता सर। तब तो कोई भी किसी को एक्सीडेंट से नहीं बचा सकता, अगर किसी की जिंदगी बचाई जाए तो उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई एक्सीडेंट देखो मदद जरूर करना। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था इसे पुलिस स्टेशन में रख दो, आपका ट्रांसपोर्टेशन बच जाता। चलो कोई बात नहीं, इसे जीप में रख दो। हेलो हेलो हेलो, एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पर हुआ है? यहीं यहीं मुंबई में है। प्लीज आप जगह बताएंगे? गौरी बेटी, मैं खुद एक एक्सीडेंट हूँ, मुझसे बड़ा कोई एक्सीडेंट हो तो बताओ। इस नंबर पर कौन मजाक कर रहा है? हेलो। हे गिरी, मैं हूँ लुई। आह कैसे महाराज, वापस कब आए? अभी अभी लैंड किया है और अभी अपने फार्म हाउस में हूँ। आज अपने फार्म हाउस में जबरदस्त मस्ती करेंगे। ओह, अपने फार्म हाउस पर हमला करके तोड़ने का प्लान है आपका? ठीक है ठीक है। भागने की कोशिश मत करना, बाकी बातें फेस टू फेस। ओके, जैसे आ गया ठीक है। लुई, हाँ वो पाटिल के साथ डीलिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। पापा मैंने पहले ही कहा था पाटिल के साथ बिजनेस करना ठीक नहीं होगा, वो किसी भी एंगल से अच्छा आदमी नहीं है। ही इज अ बोर्न क्रिमिनल। ड्रिंक, ईट एंड बी मैरी। खाओ पियो और खुशी से मर जाओ। मुझे बोतल लीजिए, मैं बनाता हूँ, आप उधर जाइए। गिरी आज कोई बहाना नहीं, हल्का सा तो चलेगा, अगर ड्रिंक नहीं लोगे तो तुम अपने खानदान का नाम खराब करोगे। हाँ। उसके लिए तुम्हें कोई दूसरा ढूंढना पड़ेगा, अगर ड्रिंक के बाद बेहोशी में किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया तो उसे बचाने कौन जाएगा? और ये सही नहीं है यार, काम को नशे के साथ मिक्स मत करो, मेरा तो काम ही यही है। सुनो, तुम लोग पूरी बोतल पी रहे हो, उसमें से थोड़ा मुझे भी दे सकते हो क्या? क्यों भाई, किस खुशी में? अपना शुभारंभ से पहले एक ड्रिंक पीनी चाहिए, ऐसा पापा ने बताया था। यहाँ कौन सा शुभारंभ, क्या करने जा रहे हो? मैं सोच रहा था कि मैं फुल टाइट होके नीचे गिर जाऊँ। एक पेग ले लूँ क्या? बस एक ही पेग। पानी कहाँ है? कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही पी जा। अरे बिना पानी के पीने से लीवर खराब हो जाता है, दो बूंद ले लेता हूँ। अब लीवर सेफ है। दोस्तों, ड्रिंक देने और खाना खिलाने के लिए मैं तो हमेशा ही ऐसा करता रहता हूँ, इसी खुशी में मैं एक गाना गाता हूँ।
जन्नत है मेरी। अरे वाह, अच्छी आवाज है, तुमने अच्छा गाया, लेकिन एक दो जगह थोड़ा बढ़ गया। स्पीकर गाने से एक दो जगह नहीं, पूरे 10-20 एकड़ आवाज बढ़ जाती है। क्यों डियर? दुरत दुरत, एक्सक्यूज मी, मैं एक वकील हूँ, मुझे दूर हट मत बोलना। इसके लिए मैं तुम्हें कोर्ट में ले जाकर पेशी करूंगा तो तुम पेशाब कर दोगे। गुस्सा भेजे में इस एसआई को पेशाब करवाने के लिए किसी कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ मुझे लगता है खुद ही कर देता हूँ। समझ गया सर, एक बार और समझाओ। मेरे पास बदलने के लिए पैंट नहीं है सर। बिना पानी के एक और बना? नहीं चाहिए, जिंदगी भर का नशा हो गया। तेरे लिए नहीं, मेरे लिए। अच्छा, तुम हमेशा यही कहते रहोगे क्या? एक मिस्टेक, एक गलती, ये जिंदगी में सबके साथ होता है। वो और ये दोनों एक ही जैसे हैं मेरे लिए। दोनों की जिंदगी दूर होती जा रही है। जब मैं टेरेसा से शादी करके इस फैमिली में आया था, तब तुम कितने खुश थे, तुम्हें याद है ना? मैंने हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचा, गौरी को लेकर तो और भी। उसे केवल मिशेल ही चाहिए था तो मैंने मान लिया। हम उनकी शादी करा सकते थे। जब पापा ने उस ड्रामा के बारे में बताया तब भी मैं खिलाफ नहीं था, लेकिन शादी के ठीक 3 महीने पहले पुलिस ने उसे पैसों की जालसाजी में 6 महीनों के लिए जेल भेज दिया। ये मेरी प्रॉब्लम है? इस तरह के आदमी से अपनी बहन की शादी कैसे करवा दूं? आज मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? अपने भाई गिरी के डर से तुम मुझसे बात तक नहीं करती, क्या है ये सब? मुझे आज जानना है। प्लीज अपना हाथ हटाओ। नहीं, मैं जान कर रहूंगा। बिना जाने मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। मिशेल छोड़ो मुझे। देखो, अगर दोबारा इसे मैंने यहाँ देखा तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गिरी, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं पापा। गिरी आओ, चलो यहाँ से। छे, क्या कर रहे थे तुम मिशेल? सबका मूड ऑफ कर दिया। एंजॉय करने आए थे, एंजॉय करो ना। कहाँ जा रहे हैं हम? ऐसे बेकार के सवाल मत पूछो, चुपचाप बैठी रहो। एम्बुलेंस स्टार्ट करो, अभी जिंदा है, तुम साथ जाओ। बेचारा ड्राइवर मर गया। मरेगा कैसे, नहीं मारने के लिए तो ये किया उन्होंने। ये एक्सीडेंट नहीं है महेश, जिसने भी ये किया उसका मकसद मारना था। बॉडी को मार्चरी में रखना ये हमारा काम नहीं है। कार अनकंट्रोल होती तो टायर के निशान ऐसे नहीं होते, ये जानबूझकर किया गया है। टकराने के बाद फिर से रिवर्स करके गाड़ी को टक्कर मारी है। तुमने वो टायर के निशान देखे? आप सीन लिख लीजिए, मैं बता दूंगा आपको सारा मामला। ये तो मर्डर है। क्यों बे, तुझे पता है क्या? नहीं है। अपना पाम ब्रिज है ही नहीं। क्या बात कर रहा है, क्या फालतू की बातें करता है? कल शाम को ही मैंने वहां साइकिल चलाई थी। बकवास करता है, मेरी आंखें हैं, ठीक से देख भी सकता हूँ। ओए चुप रहे, ये हॉस्पिटल है। तो तुझे क्या लगता है? डॉक्टर ने क्या कहा? गौरी दीदी डॉक्टर से बात करने गई है। ऑब्जर्वेशन में है, स्कैनिंग में कोई हेड इंजरी नहीं दिखाई है, लेकिन उसके बारे में पूछने पर वो कुछ बता ही नहीं पा रही है। मुझे डॉक्टर से बात करनी है। रुको, मैं जिससे मिली थी वो डॉक्टर नहीं थी क्या? या मेरी बातों पे भरोसा नहीं है? वैसे तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा था? घर जाओ, मैं यहाँ का सब काम संभाल लूंगी, ठीक है? तो डॉक्टर बीना केस अटेंड कर रही है? हाँ, डॉक्टर बीना ही है। जब तुम उसे देखो तो हिलते रहना। तुम्हारा दिमाग क्यों ऐसा चलता है? मैं किसी को देख कर क्यों हिलूंगा ऐसे? देखो वो आ रही है, हिलते हिलते। गिरी अब वो लड़की खतरे से बाहर है, हम कल उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। और हाँ डॉक्टर, मैंने इसे सब बता दिया है, आपको भी दूसरे मरीजों को भी देखना है ना, आप जाइए। ओके। ऐसा क्यों कहा तुमने, क्या सोच रही होगी वो? मैंने जो कुछ कहा उस पर कुछ नहीं सोच रही होगी वो, और तुम ज्यादा मत सोचा करो। चलो। सॉरी सिस्टर, ये वो पेशेंट नहीं है। मैसेज आया है पेशेंट को होश आ गया है, स्टेटमेंट लेने जा रहा। हाँ, वहां बैठ जाओ। इसे क्या हुआ है भाई? क्या हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन मर गया बेचारा। कहाँ ले जा रहे हो इसे?
पोस्टमार्टम के लिए। इसने चाहे जो भी किया भगवान, इसे प्लीज माफ कर दो और इसकी जिंदगी वापस लौटा दो। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ऑल द बेस्ट। ऐसे क्यों देख रहे हो? ये मेरी अपनी स्टाइल है। होश आने के बाद चीजें याद रहने पर ही स्टेटमेंट लेने में फायदा है। वो कुछ भी कंफर्म नहीं बता पा रही। अब हम चलते हैं। बिना पता किए हम कैसे जा सकते हैं? वो सब तो पुलिस का काम है ना गिरी, हमारी क्या जरूरत है? अरे उसे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ड्राइवर मर चुका है। अगर उसे अकेला छोड़ दिया तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। डिस्चार्ज होने पर वो कहाँ जाएगी? हम उसे अपने घर ले जाएंगे, फिर सब कुछ वहीं पर होगा। एक लड़की को अभी अपने घर पे रखना जरूरी है क्या? जरूरी है, बिना याददाश्त लौटे उसे भेजना ठीक नहीं है। ओह, कैसे मैनेज करेंगे? एक लड़की ही तो है वो, जैसे ही वो हमें अपने घर का पता बताएगी उसे घर भेज देंगे। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है तुमसे। ये लो, बुरखा आ गया। मिला तुम्हें? हाँ, मिल गया। जाओ उसे दे दो। हाँ। उस टैंकर का कुछ पता चला? सलीम नाम से रजिस्ट्रेशन है, अभी तक तो कोई आया नहीं, इंक्वायरी कर रहे हैं हम। क्या है? कुछ नहीं। तो जाओ। सुनो, जब तक वो लड़की यहाँ पर है बिना पूछे कोई अंदर नहीं जाएगा, वरना टांगे तोड़ दूंगी मैं सबकी। बाप रे, इतना कड़क फैसला ले लिया उसने, जो कह दिया फाइनल। सारे लोग जगह खाली करो। तुम जरा इधर आना। जो भी क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं उसका मुझे तुम सीधा और सटीक जवाब दोगे, समझे? क्या बात है सर। तुमने उस लड़की को देखा? देखने में कैसी है? जाइए सर, अपना काम कीजिए। तो ठीक है। गिरी भाई, केस पकड़ने या फिर अटैक करने के लिए मैं आपके पास नहीं आया हूँ। अटैक करने आया तू? मरता नहीं, मरता नहीं। मुझे बताने दो, बताने दो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लड़की यहाँ पर है मैं उसे जानता हूँ, मुझसे ज्यादा उसे तो कोई नहीं पूरी तरह जानते हो। तो नाम बताओ उसका। एडवोकेट रुचिका मेहता मार्ली। क्या कहा? एक बार बोलने के बाद थक जाता हूँ मैं। जो मैंने कहा वही सच है, बहुत ही बिजी वकील है वो। तुम कैसे जानते हो? क्या गिरी भाई, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? मैं अभी अपनी बात को प्रूव करता हूँ। वो और मैं बिल्कुल वकील जैसा एक ही तरह का कोट पहनते हैं। आपने देखा होगा, एक वकील ही दूसरे वकील को समझ सकता है। सिर्फ एविडेंस के बलबूते पर मैंने साबित कर दिया है योर ऑनर। क्या चाहते हो तुम? गिरी भाई, वो क्या है ना, हमने एक दिन पहले साथ में खाना भी खाया था। लेकिन लग रहा है तुझे भूख नहीं है। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो हमेशा ही भूखा रहता हूँ, पैसे कमाने की भूख है। इसलिए ये केस अब आप मुझे दे दें, अगर नहीं दिया तो मैं भूख से मर जाऊंगा। क्या बोलते हैं गिरी भाई? सिर्फ केस ही नहीं, तुमने कहा था वो तुम्हारी रिश्तेदार है, इसलिए मैं उसे अपने साथ ही रखूंगा। इसने मुझसे कहा होता तो मैं इसे अपने ही घर में रख लेता। सुनो, ये एक्सीडेंट केस नहीं, मर्डर केस है। मर्डर केस है? मर्डर केस है? अरे मुझे नहीं चाहिए ये केस, मुझे ये केस नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कोर्ट में जाने से पहले ही मेरे हाथ पांव कांपने लगे हैं। निकल लो यहाँ से। इसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये लड़की कोई आतंकवादी है। उस काले कपड़े के अंदर जैसे कोई बॉम्ब भरे हुए हूँ। तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं। तब तो मैं एक ही बात कहता हूँ, वो लड़की जहाँ से भी आई है उसके बारे में पूरी तहकीकात करनी पड़ेगी हमें। शांत बैठना खतरे से खाली नहीं। अगर कल उसकी वजह से कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। क्या कह रहे हो? ज्यादा कुछ नहीं, कम से कम अपने रिकॉर्ड के लिए हमें उसकी एक फोटो चाहिए। अगर हम आ जाकर फोटो के लिए कहेंगे तो गौरी कुछ और समझेगी। कोई और रास्ता निकालो। इधर आ। देखो, पुलिसिया तरीके से मुझे फोटो लेना तो आता है, अगर गौरी को कहेंगे तो वो दूसरे तरीके से लेगी। अभी तुम लोगों के पास कोई खास काम तो है नहीं, आज की रात तुम लोग उसका फोटो लोगे। कम से कम गिरी की कुछ तो मदद करो भाई। सुनील, हम इसे एक चैलेंज की तरह लेंगे, उसकी फोटो के साथ कल सुबह हम लोग पुलिस स्टेशन में मिलेंगे। आज हम उसकी एक फोटो लेंगे, बाकी सब काम बाद में। वो फोटो दिखाकर गिरी भाई को झटका देंगे। अगर झटका देना चाहते हो उसे अपनी फोटो दिखा देना। सीढ़ी उठाओ, चलो। बाप रे, ये सीढ़ी तो बहुत भारी है। उठेगी कैसे? तीन पैग चढ़ा रखे हैं तूने, पैग चढ़ाने के बाद में ऊपर कैसे चढ़ेगा तू? तब तो मैं ये कर ही नहीं सकता, अब तो मेरी टेंशन मत बढ़ाओ। क्यों बे, रात में भी वो बुर्का पहन रखी होगी। अभी रात है और वो लड़की है, कुछ कह नहीं सकते यार। जल्दी कर, सीढ़ी को ऊपर चढ़ा। अरे बाप रे, आज चल सीधा रख। अरे बाप रे, इस तरह ऊपर नहीं चढ़ सकते, ऊपर ग्लास है। क्या ग्लास है? ग्लास
तुम्हारे पास पैग है? हाँ? बस एक स्मॉल पैग चाहिए। अरे अभी तो पिया यार तूने। फिर तुम ये ग्लास ग्लास क्यों कह रहे हो? अबे उसके कमरे की खिड़की में शीशा है। हम सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते। दो फिर हमें चलना चाहिए और दो दो पैग पी के सो जाना चाहिए। हम बोल देंगे कि उस खिड़की में शीशा था। अबे हमने फोटो देने का वादा किया, पीछे नहीं हट सकते। मैं सीढ़ी पकड़ता हूँ, तू ऊपर चढ़। चल तो आ, तुमने मेरे गले में वैसे ही बोझ लटका दिया है। अरे बुद्धू वो कैमरा है, फोटो कैसे निकालेगा? ओए ये भगवान, मैं तो ये भूल ही गया था। चल चलो तुम बाजू हटो, मुझे ऊपर चढ़ने दो। कोई गलती मत करना भाई। कोई गलती नहीं करूंगा भाई, नहीं करूंगा। अरे सीढ़ी को ठीक से पकड़ के रखना। अबे बेवड़े तू अपना काम कर। चल गिरी भाई के घर में चोर, अभी पकड़ता हूँ। थोड़ा नजदीक लो। हाँ पहुंच गया, अब अपना काम हो जाएगा। अरे सुन, वो कमरे में नहीं है। क्या कह रहा है तू? कमरे में नहीं है, ठीक से देख। ज्यादा पी लिया है इसलिए दिख नहीं रहा। हाउस ब्रेकिंग, घर में घुस रहे हैं। आईपीसी सेक्शन। ए भगवान, मैं ही भूलने लगा हूँ अब तो। क्या हो गया मुझे? अरे बापरे, मैं तो गया। बच्चा अबे बिना फोटो लिए आ गया तू। किसने आकर मुझे पीछे से पकड़ा? मैं तो सीढ़ी पर ऊपर चढ़ा था, तू यहाँ नीचे सीढ़ी पकड़ के खड़ा था, फिर कौन तुझे आकर पकड़ लिया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, ये हो क्या रहा है? कोई भूत तो नहीं है यहाँ? हे मेरे साईनाथ, मुझे बचा लो। क्या हो रहा है? महेश सर ने कहा था कि उन्हें लड़की की फोटो चाहिए, वही लेने आए थे हम। गधो, उन्होंने रात को छिपकर फोटो लेने के लिए कहा था क्या? नहीं, मैं सीधे सीधे जाकर पूछता तो मना कर देती। वो जरा संस्कारों वाली लड़की है, हमें पता है इसीलिए। कौन है? कुछ नहीं, गौरी दीदी आ रही है, भागो। चल भागो। मैं समझ गया, ये क्या हो रहा है? ये सीढ़ी है, ये चढ़ने के काम आती है। वो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम ये सीढ़ी पकड़कर यहाँ पर क्यों खड़े हो? वो मैं आम तोड़ने आया था आधी रात में। मुझे सब समझ आता है, मुझे बेवकूफ मत समझना। हाँ ये क्या बात हुई, रात में आम नहीं तोड़ सकते, ऐसा कोई रूल है क्या? वो सब बहुत ही सीधे साधे लड़के हैं, और कुछ नहीं। खाली लड़कों की बात मत करो, तुम क्या कर रहे थे वहाँ पर? आम तोड़ रहे थे क्या? रात को मेरी नींद खुली और मैं आवाज सुन के बाहर आ गया। मुझे लगता है वो इतनी अच्छी नहीं है। वो मुझसे कह रही थी उसे तुमसे कुछ बात करनी है। चलते रहो, रुको मत। अगर तुम उससे कुछ कहना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो, मैं उसे सब बता दूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन उससे एक बात और कहनी थी। क्या? यही कि बेल्जियम में बुर्का बंद हो गया है। हाँ तो फिर किस राज्य में बुर्का बंद है, यही जाकर पूछना है क्या उससे? वो हा? बात नहीं, लेकिन घर में बुर्का पहनने की क्या जरूरत है? तो मतलब कवर करके रखना। वो क्या है कि लड़के लोग देखना चाहते हैं, वो सिर्फ एक बार देखेंगे और बात खत्म। ओह बात खत्म। खत्म हो जाएगी। तुम उसे बुलाओ, मुझे पूछना है क्या हम उसे उसके घर छोड़ सकते हैं। वो सब मैंने पूछ लिया है, घर उसका लोन वालों ने ले लिया है। माँ इस दुनिया में रही नहीं, एक चाचा है, उसने बहुत ढूंढा उसे पर एड्रेस नहीं मिला। ए, कल दीदी और भाई स्कूटर से आ रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया, वो तो नसीब अच्छा कि मैंने देख लिया। तुमने क्या किया? मैं वहाँ गया और दीदी को उठाकर कंधे पर लादा, फिर ऑटो में डालकर हॉस्पिटल ले गया और एडमिट कर दिया। क्या हुआ दीदी को? दीदी अभी नॉर्मल है, थोड़ा सा स्किन में खरोच है। और भाई? तुम्हें क्या पता सर में कितनी चोट आई है, कितना खून बहा है, अभी भी लेटे हुए हैं। ये क्या कह रहे हो? अगर खून बह रहा था तो हॉस्पिटल ले जाना था। मैंने तो कहा था औरत माँ बहन भगवान होती है, अगर तुम ये नहीं कहोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। चल निकल। ए रुको ना, मैं भी आ रहा हूँ। मुझे लगता है कोई लफड़ा है। चलो चुप कर देखते हैं। वाह देख, उसने बुर्का खोला है। अगर उस तरफ होते तो हम लोग भी देख सकते थे ना। अरे बाप रे, वापस ढक लिया। अरे शटर वापस चढ़ा दिया क्या? सब कुछ साफ करने के बाद मैं वैक्यूम क्लीनर ढूंढ रहा था, वैक्यूम क्लीनर।
गिरी जी, वो क्या है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मुझसे क्या बात? वो है? मैं वो वो कैसे कहूँ? अब आज तक तो एक कागज भी नहीं उठाया और आज घर साफ कर रहे हो? गंदा हो गया था इसलिए मैंने साफ कर दिया। अपने घर की सफाई करके कोई गलती कर दी क्या? गलती तो नहीं है। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे क्या है? पर्दे में रहने दो, पर्दे में रहने दो। आज कुछ ना कुछ जरूर होगा। गौरी दीदी है? हाँ। मिमिक्री। गिरी भाई को बुरखे वाली पसंद आ गई शायद। छे, बिना उसका चेहरा देखे कैसे पसंद कर सकते हैं? हे, भाई है? उसका चेहरा देखने के लिए इतनी मेहनत। हाँ। उनको भी समझ आ गया। अच्छा? कि गौरी दीदी हमें किसी भी लड़की को देखने नहीं देगी। ठीक है। आ मेरी जान, आ भी जाओ, आ भी जाओ, आ जाओ ना मेरी जान। अरे उसके पास तो दूसरा बुरखा भी है। गौरी दीदी, मैंने इसे धोने के लिए रखा हुआ। कोई बात नहीं, ये यहाँ पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा। अरे ये यहाँ था तो बाथरूम के दरवाजे से आपने नहीं उठाया था क्या? मैंने? वैसे आप पर बहुत सूट कर रहा है। फोन। मैं उठा था ना मैं कान का है, कान का है। तो ये है तुम्हारी असलियत, अब लड़कों से डरने की जरूरत नहीं है। अरे बेवकूफ, मुझे पता था तुम ही हो, तभी तो मैंने उठाया। उसने इतनी जल्दी तुम्हारा धर्म बदल दिया, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे गफूर या फिर जाफर बना देगी। अरे अरे रुको तो सही, सुनो मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अपना धर्म भी नहीं बदलने दूंगा। हमारा धर्म हमारे लिए सब कुछ है और तुम्हें भी नहीं बदलने दूंगा। मैं अपना धर्म नहीं बदलने वाला। क्या हुआ गौरी दीदी? इससे पहले कि बात ज्यादा आगे बढ़े तुम्हारे बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। ए गिरी भाई को उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू बेकार में उन पर शक कर रहा है। इसे शक ही रहने दो, लेकिन मैं तो जरूर कोशिश करूंगा, और गिरी भाई भी तो इंसान ही है ना। अच्छा ये बात है, वो तो मैं भी देख चुका हूँ। जब देखो तुम दोनों लड़ते रहते हो। अरे कभी तो इंसानों की तरह मामले को शांति से निपटाया करो यार। गिरी भाई, मैंने एक महीने का स्टेटमेंट ले लिया है, आप वेरीफाई कर लीजिए। मैं दो दिन यहाँ नहीं हूँ, माँ से मिलने जाना है। बैठ जाओ, एक बात बोलनी है। कौन सी बात गिरी भाई? जब तुम मुर्खा देने गए थे तो उस लड़की का चेहरा देखा था तुमने? किस लड़की का? उस सायरा बानू का। महेश बता रहा था कि वो जो लड़की है ना वो बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट है, मुझे तो डर लग रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हम तो फंस जाएंगे। महेश तो पागल है, वो बुरखा पहने है ना वो टेररिस्ट नहीं है। वो तो किसी परिवार की सुंदरी लगती है। इसने उस लड़की को कैसे देखा? मुझे क्या पता। और वो तो मुझसे कह रही थी कि मुझे गिरी भाई को कुछ बताना है। हाँ, गौरी को भी ऐसी कहा उसने, और मुझे भी। क्या कहना चाहती होगी वो? आई लव यू और क्या। चल हट, आई लव यू। हाँ?
था वहाँ कोई नहीं है। तुमको यहाँ किसी आदमी के साथ मस्ती करने के लिए नहीं रखा है हमने। छी, एक गिरी हुई लड़की की तरह क्यों जुबान गंदी कर रही हो? गंदगी तो तुम फैला रहे हो। बेवकूफ, इसे कोई मारने आया था, मैं उसी को ढूंढ रहा था। ये बेकार की बातें बनाना बंद करो। तुमने ही कहा था ना हमारे बीच कोई नहीं आएगा। तुम दोनों मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। कल ही इसे यहाँ से बाहर निकालो। ये कोई कॉकरोच नहीं जो इसे फेंक दे। मैं जानती हूँ तुम नहीं निकालोगे। घर का एड्रेस पूछो उससे, कहीं भी फेंको, लेकिन इसे यहाँ से बाहर निकालो। बस मैं दोबारा इसे यहाँ नहीं देखना चाहती। गिरी भाई, मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं यहीं से बस ले लूंगा। मैं घर जाकर माँ से मिलकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैं बीच में ही उतर गया था, ये गौरी दीदी को मत बताना, वरना आप दोनों झगड़ा करके फिर से अलग हो जाओगे। तुम जाओ, मैं सब देख लूंगा। ओके गिरी भाई। यहाँ तो कोई नहीं है। मेरे एक ही चाचा हैं और वो इस वक्त जेल में हैं। अब बैठिएगा नहीं, वहाँ धूल है, मैं कुछ पूछने के लिए लेकर आती हूँ। कहाँ है वो? अंदर है, बुलाना है? मैं बुला देता हूँ। तुम पैसे ले आई? नहीं। अच्छा, तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। चेहरा छुपा कर क्यों खड़ी हो? नकाब हटाओ। चलो गाड़ी में बैठो। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मैं हल कर लूंगा। चलो इसे गाड़ी में बिठाओ। पहले मुझे बताओ तो सही। अरे रुको, इसे तो ले जाओ। तुझे तो मैं देख लूंगा। कौन थे ये? वो पैसा कहाँ है? कौन सा पैसा? जब कार का एक्सीडेंट हुआ था उस समय कार में 50 लाख रुपए थे और एक्सीडेंट की जगह पर सबसे पहले तुम पहुँचे थे, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ है। 50 लाख रुपए? तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, ये कैसे याद आ गया? जब मुझे होश आया तभी मुझे पता चला कि उस कार में बहुत सारा पैसा था। उन लोगों ने मुझे धोखा दिया। तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे अंकल को पुलिस ने अरेस्ट किया है, ये बात भी मुझे न्यूज़पेपर के जरिए पता चली। मेरे अंकल डैनियल के ड्राइवर थे। डैनियल सर, मेरे अंकल निर्दोष है, वो ऐसा नहीं कर सकते। चिंता करने की कोई बात नहीं है, हर समस्या का समाधान होता है। लो ये लेटर एमएलए के लिए है, हमारा बहुत पुराना रिश्ता है उनसे। अभी जाकर उनसे मिल लो, वो जरूर मदद करेंगे। और हाँ, वो धर्म को बहुत मानते हैं, और तुमने बुर्का पहना ही है। तुम इस लड़की के साथ जाओ, गाड़ी लेकर इसे वहां तक छोड़ कर आओ। ओके सर। और उसके बाद जैसे ही मुझे हॉस्पिटल में होश आया, मेरे सामने डैनियल खड़ा था। बेटी, तुम जिस कार में थी उसमें 50 लाख रुपए भी थे, ड्राइवर की बॉडी के साथ सब कुछ मिला, बस पैसा नहीं मिला। वो पैसा दरअसल ब्लैक मनी है, इसीलिए पुलिस को भी नहीं बता सकते हम। अगर तुमने बताया तो तुम्हारे अंकल के साथ तुम्हें भी जेल भिजवा देंगे, ये तो पक्का है।
वहाँ पर सबसे पहले वो रेस्क्यू वाला पहुँचा। हमें लगता है वो पैसा उसे ने लिया। अब वो पैसे तुम्हें लाने हैं। वो पैसे मुझे हर हाल में चाहिए। अगर तुम इसमें कामयाब नहीं हुई तो तुम्हारे अंतिम संस्कार के लिए तुम्हारे अंकल को जेल से बुलाना होगा। आपके साथ रहकर मैंने वो पैसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। उस दिन रात को आपके कमरे में मैं ही आई थी। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो डैनियल मुझे मार देगा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। आपके आदमियों में से ही किसी ने पैसे लिए हैं और कोई नहीं ले सकता। मुझे वो पैसे लौटा दीजिए। आओ कार में बैठो। लेकिन गौरी दीदी, मैं उसे समझा दूंगा। अगर मेरी गैंग के किसी ने वो पैसा लिया होगा मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। चलो। हेलो गौरी, गिरी कहाँ है? हाँ उसका फोन नहीं लग रहा। कब से मैं ट्राई कर रहा हूँ, तुम भी जरा ट्राई करो ना, अगर मिल जाए तो मुझे बताना। और हाँ बेटी, मिशेल को अरेस्ट किया है। उस बुर्का वाली लड़की को जिस टैंकर ने कुचला है वो मिशेल का था। मिशेल को अरेस्ट किया है गिरी। इसके पीछे कौन है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो गिरी की तरह तुम भी यही सोचोगी कि ये सब कुछ मिशेल का किया धरा है। एक्सीडेंट हो या मर्डर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। गिरी ने बीच में इंटरफेयर किया था इसलिए ये सब हो रहा है। हो सकता है कि इसके अलावा उसने और भी बहुत सारी चीजें की होंगी। क्या बोलती हो? ये देखना, हाँ? भाई के साथ एक नई आइटम। अब ये कहाँ से आते? गुड मॉर्निंग। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तुम सबसे पहले पहुंचते हो, आज लेट कैसे है? कुछ खास नहीं, आते से मैं रास्ते में मंदिर चला गया था। मैं आज कौन सी खास बात है? कुछ नहीं, मैं भी अपने चप्पल बदलने गया था। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? हमारी तो नहीं है लेकिन बड़ी जरूर है। ये लो आरसी बुक की कॉपी। सलीम का रजिस्ट्रेशन है, परमानेंट एड्रेस सही नहीं है। एक्सीडेंट के समय गाड़ी कौन चला रहा था, इन सब के पीछे किसका हाथ है, ये इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। उसे जमानत मिल सकती कैसे है? कैसे मिलेगी? उस दिन सिर्फ तुम्हारे कहने पर हमने 304 की जगह 302 लगाया था। मर्डर केस है, बेल नहीं मिल सकती। मतलब नहीं मिलेगी, लेकिन इन सब के पीछे कौन है मैं प्रूफ करके रहूंगा। मैं जिंदगी भर यही सड़ता रहा हूँ, इसलिए तुमने ये सब किया ना? बाहर रहकर किसी न किसी का बुरा ही करोगे, तो यही सही है तुम्हारे लिए। कम से कम बाहर लोग चैन से तो रहेंगे। तुमने ये जानकर किया या अनजाने में, पर तुमने हमारी सारी खुशियां और शांति हमसे छीन ली है। मैंने सब कुछ इसलिए नहीं किया था कि वो उसकी गाड़ी थी, लेकिन हाँ इसके पीछे जिसका भी हाथ है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अगर एक्सीडेंट होता तो छोड़ भी देता, आप समझ रहे हैं ना? लेकिन मैं सब समझ गई हूँ। मिशेल ने ही ये सब किया है। देखो तुम दूसरों को दुखी करने में अपनी ताकत मत दिखाओ। हाँ इधर आओ, मैं समझाता हूँ। तुम इसे छोड़कर नहीं आए? इधर आओ, बताता हूँ। हाँ छोड़ो, मेरा मेरी बात सुनो, तब तुम्हें सब समझ में आएगा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं समझा सकता। इधर आओ, चलो। तुमने अपनी मासूमियत दिखाकर मेरे भाई को अपनी ओर खींच लिया ना? तुम्हारा बाप मर गया क्या जो आंसू बहा रही हो? जाओ यहाँ से, कहीं और चली जाओ। गौरी तुम चुप रहो। कल की आई लड़की के सामने आज मैं छोटी हो गई? ऐसे रोड चलते धंधा करने वाली लड़कियों के लिए आज तुम मुझसे बहस कर रहे हो? मैं तुम्हारे भले बुरे के लिए बीच में पड़ा था, वो भूल गई तुम? आज से मेरे भले बुरे में मत पड़ना, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं मर गई तुम्हारे लिए। गौरी कार में आओ। गिरी
तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब कुछ ठीक हो जाएगा। दो दिन से गौरी फार्म हाउस में है, अगर मैं बुलाऊं तो भी नहीं आएगी। तुम जानते हो मैं उसके बिना नहीं रह सकता। गौरी की प्रॉब्लम हल हो जाएगी अगर तुम उस बुरका वाली लड़की को अपने घर से निकाल दोगे तो। महेश, मैंने उसे अपने पास अपने लिए या फिर पैसा वापस लाने के लिए नहीं रखा है। मुझे गौरी के सामने सब कुछ साबित करना है, तभी इस परेशानी का समाधान होगा। टैंकर मिशेल का था, यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वो निर्दोष है। हाँ तो इसका कोई सबूत भी नहीं है। और फिर वो पैसे का मामला, मैंने इस बारे में मिशेल से पूछताछ की लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं। बाहर देखने से पहले ये भी देख लो कि कहीं अपराधी अपने ही गैंग का तो नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? वो तुम्हारा भरोसेमंद आदमी है ना राजीव, वो एक्सीडेंट के तीसरे दिन ही भाग गया था, तुमने गौर नहीं किया होगा, लेकिन मैं सब चीजों पर गौर कर रहा हूँ राजीव। लेकिन 50 लाख रुपए अगर मेरे पास आ जाएं, तो मेरी भी नीयत बदलते देर थोड़ी लगेगी। दर्द हो रहा है? नहीं। एक बार चलकर दिखाओगी? आराम से। तुम डरो मत राजीव, उसे खुद चलने दो, वो खुद चलेगी तो जल्दी संभल जाएगी। एक मिनट। ओह गिरी भाई, मैं भी आता हूँ। हाँ गिरी भाई, मैं घर पर माँ के साथ, मैं 2 दिन में बस पहुँच जाऊँगा। हाँ पहुँच जाऊँगा। हे भगवान, आज कौन आया है हमारे घर? अकेले ही आए हो, बहन को साथ नहीं लाए? जब वो फोन करता है उसको बोलती रहती हूँ। तुम लोग हमारे घर कब आने वाले हो? राजीव कहाँ है? उसे माँ की याद नहीं आती क्या? बहुत दिनों से नहीं देखा, 2 महीने हो गए देखे हुए। आजकल वो बहुत काम कर रहा है, अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत अमीर आदमी बन गया है ना? उसका कोई फायदा नहीं है बेटा, महीने में अब भी वो 1000 रुपए ही भेजता है माँ की पेंशन। मुझे अहमदाबाद में काम था, रास्ते से मिलने आ गया, ये राजीव ने भेजा है। हाँ, आपके लिए। तब तो ये पैसे भी गए। अंदर आ जाओ, मैं चाय बना देती हूँ। नहीं माँ जी, थोड़ा जल्दी जाना है। मैं किसी का बकाया नहीं रखना चाहता, सबका हिसाब होगा। लेकिन गिरी भाई, हम लोग तो यहाँ पर मजदूर आदमी है ना? ऐसा नहीं कि मैंने गलतियां नहीं की, तुम पर विश्वास करके अपने साथ रख के, मैं डर रहा हूं तुम्हें पूरी आजादी देकर अपने साथ रखने में। जितना सब लोगों को चाहिए यहां से ले जाओ। सभी के बैग ठीक से चेक करो, वहां तो सब कुछ चला ही गया, यहां भी जाएगा, फिर मुझसे कुछ भी मत कहना। पहले मेरा बैग देख लो, इस तरह की बदनामी मेरे नाम पर ही है। अरे इस समय सब कहां जा रहे हैं? इतने दिनों से कहाँ थे तुम? गिरी भाई, जब आपने फोन किया था, आपको बताया तो था कि 2 महीने के बाद मैं माँ के पास, अब बहुत खुश हुई वो, बिरयानी रोटी चिकन और उसके बाद मटन करी और सब। वो बिरयानी मटन या फिर चिकन? मटन, बहुत सारा घी डाल डाल के। तुम अब भी खा सकते हो, तुम्हारी जेब तो नोटों से भरी हुई है भाई। पैसे कहाँ है? कैसे पैसे? मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? बताओ पैसे कहाँ छिपा रखे हैं? अगर तुमने लिया है तो बता दो, इल्जाम एक ही पर रहने दो। किसका पैसा, कैसा पैसा? बुरका वाली लड़की की कार जिसे टैंकर ने टक्कर मारी थी, वो 50 लाख रुपए। मैं भगवान और अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैंने पैसे नहीं चुराए, 50 लाख रुपए भी उसी ने चुराए होंगे। सुनी सुनाई बातें मानकर आपने मुझे थप्पड़ मारा, उसकी वजह से ही हमारी गौरी दीदी भी घर से चली गई। गौरी दीदी चली गई कहाँ? चलो भाई चलते हैं, उस लड़की के आने के बाद गिरी भाई भी बदल गए हैं। गिरी भाई, अगर आपको यकीन नहीं है तो मुझे और मारो, आपने मेरे लिए गलत नहीं ठीक सोचा था। गिरी भाई, मैंने आपसे झूठ बोला, मैं माँ से मिलने नहीं गया था, एक लड़की का पैर ठीक कराने की जिम्मेदारी थी मुझ पर, आज वो चल रही है। मैंने आपको बताया होता तो आप पैसे दे देते, लेकिन उसका इलाज मैं अपने पैसे से कराना चाहता था, वो चलने लगेगी ये मेरा वादा था, बस यही चीज छुपाई थी मैंने। गिरी, इस तरह के मैंने बहुत सारे केस देखे हैं और चोर भी। एक बात कहना चाहता हूँ, हैरान मत होना। कौन सी बात? मैंने इसे गलत समझा, मैंने पहले ही कहा था इस लड़के ने पैसे नहीं लिए, हम उसकी बातें सुनकर ही पता लगा सकते। अब अगर वो आदमी हमें से नहीं है तो अपराधी है कौन? वो मिशेल है। मुझे ड्यूटी पर जाना है। उस लड़की से मिलने के बाद उसे किसी की जरूरत नहीं, मिशेल कभी बाहर ना आए यही वो चाहता है।
इसलिए उस हवेली में उसे अकेले ही पड़े रहने दो। उसके अलावा वो किसी और से प्यार भी नहीं करेगा। उसने बुलाया और वो आ गई। तुम दोनों साथ में होगे ये बात मुझे पहले से पता थी। अब से तुम्हारे साथ मैं भी हूँ। तुम्हें झटका ना लगे इसलिए मैं मिशेल के लिए कोर्ट में अपील करूंगा। हो सके तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं है मेरे लिए। या तो बेल तुम्हें मिलेगी या मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए। उसके लिए मुझे लगातार बार बार बहस करनी पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, इसके लिए तुम लोगों को बस मेरे लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कैसा काम? मेरा ये मोबाइल रिचार्ज करवा दो, सिर्फ 20 रुपए का करवा दो भाई, चलेगा। बहुत गरीब वकील हूँ यार, करवा दो ना प्लीज। चल भाई, निकल जा यहाँ से। तुम्हारा मतलब आउट गोइंग? गौरी, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ले लेना। तुम अकेली पड़ गई हो, अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं अकेली नहीं हूँ, ये सब है ना। अरे वाह, तो पूंछ भी कूद गई यहाँ? कूद नहीं गई, भगा दिया गया। तो तुम नहीं आ रही हो? पापा इंतजार कर रहे हैं। मैं आऊंगी पापा से मिलने, पर एक रेफ्यूजी की तरह, कभी भी नहीं। फिलहाल तो सब लोग मुसीबत में ही हैं। गिरी ने उस लड़की को वहाँ रुकने दिया, वो खुद समझेगा। उस लड़की को घर से निकालना चाहते हैं ना? कोई बात नहीं, उसे वहाँ से निकालने के लिए खतरनाक आइडिया मेरे दिमाग में पल रहा है। मैं एक मानहानि का केस फाइल करूंगा। पुलिस की मदद से हम कह देंगे कि जवान लड़के और लड़कियां वहां अश्लील हरकतें कर रहे थे। अगर चाहो तो हम उस पर किसी नाबालिग के रेप का इल्जाम भी लगा सकते हैं। कैसा लगा मेरा आइडिया? लगता है ज्यादा कह दिया। हे भगवान, सबने मुझे मिलकर पीटा नहीं है? लगता है आइडिया पसंद है क्या? क्या नहीं भाई, मेरी तो किस्मत ही खराब है। बेल पिटीशन के लिए बहुत आर्गुमेंट्स होंगे। बेल कंफर्म होगी या नहीं पक्का नहीं है। वकील कह रहा था ऐसा, गिरी चाहता है कि मामला पूरी तरह से उछाला जाए। तुम्हारी वजह से वो परेशान होगा ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे सामने खड़े होकर मैं ये सब बोल रहा हूं, तुम्हें इस अवस्था में देखकर। एक बात मैं बता देता हूं, अगर बेल कंफर्म नहीं हुई तो मैं सब सच बता दूंगा कि गाड़ी मैं चला रहा था। मैं ये भी बता दूंगा कि उस गाड़ी को चलाने के लिए मेरे पास हेवी लाइसेंस नहीं था। लाइसेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लड़की गिरी के पास ही है। मैं जानता हूँ वो वही है, मैं उससे नजरें बचा कर आ रहा हूँ। अगर उसने मुझे पहचान लिया तो सब खत्म। एट एनी कॉस्ट उसे यहाँ से भगाना होगा। अगर उसने कुछ नहीं बताया तो मैं बड़ी आसानी से बाहर आ सकता हूँ। आपने जो कुछ किया अनजाने में किया। मैं जेल में रहूं या आप जेल में रहें, बात एक ही है। टेरेस और बच्ची को आप संभाल लेना। इस केस में जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। बस आप शांत रहिए, गिरी जो कुछ भी कर रहा है उसे करने दीजिए। से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं गिरी भाई के साथ ही रहूं। गिरी भाई सावधान। गिरी भाई, वो लड़की आप दोनों को बाहर भेजने का प्लान बना रही है, वो सब मिले हुए हैं, लेकिन आप चिंता मत करो। गिरी भाई टेंशन नहीं लेना, मैं आपके साथ हूं। मिशेल तो लंबे समय तक जेल में सड़ेगा, मेरे पास सबूत है। उसके लिए गिरी भाई आपको सिर्फ एक काम करना होगा। कैसा काम? गिरी भाई, वो ऑटो वाले को 30 रुपए दे दीजिए ना, मेरे पास नहीं है। वकील का काम तुम्हें नहीं जमता, कुछ और काम करो। जो भी काम देंगे मैं करूंगा भाई, लेकिन आप तो जानते हैं कि मैं कितना बड़ा मरीज हूँ भाई। कैसा मरीज? मेडिकल साइंस में इस बीमारी को एथलेटिक्स, बाबा थलाओ, सबुलाओ, आप सप्रेसिव सिंड्रोम कहते हैं। मतलब? बुखार। वो बीमारी नहीं है, है? तुमको सेरेब्रल इग्नोरेंशिया सिंड्रोम हुआ है। मतलब? गोबर। मेरा नाम डेनियल है। मैंने सुना है, सना ने बताया होगा, मुझे गलत मत समझना। यहाँ आकर मैं झगड़ा करूं और उस लड़की को लेकर जाऊं, इन सब में मैं विश्वास नहीं करता। इसके लिए नहीं आया मैं। तो क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? यही कोई 10 मिनट? 15।
ये सब भरोसे के खेल की शुरुआत है, तुम तो जानते ही होगे। प्लीज मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम एक मासूम लड़की को धोखा दे रहे हो। मैं बहस नहीं चाहता, और ये चीटिंग इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। मुझे अपना पैसा चाहिए, क्योंकि वो पैसा किसी दूसरे की अमानत है। उन पैसों की वजह से मुझे चोर बनना पड़ रहा है, और ये मुझे कतई पसंद नहीं। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। गिरी, तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है। पहला, पैसे दे दो, और दूसरा, सना को भेज दो। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। तुम्हें पता होगा इस केस में एक शख्स जेल में है, मिशेल। इन दोनों में से मुझे एक को वापस देना है। तुम ना तो कुछ दोगे और ना ही ले जाओगे। अगर मिशेल अपराधी है तो यह फैसला करने के लिए कोर्ट है। ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन क्या इस हालत में गिरी गौरी को प्रोटेक्ट कर पाएगा? अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं गौरी को तुम्हारे घर से भी उठाकर ले जा सकता हूँ। देखा, गौरी का जिक्र आते ही कैसे टेंशन में आ गए। लेकिन गिरी, तुम्हें जो भी करना है वो सब मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है पैसा आने के बाद मैं कोई घटिया हरकत करूंगा? तुम्हारे काम की लिमिट हो सकती है, लेकिन मेरी नहीं। अपने वादे के लिए लिमिट क्रॉस करना मेरी फितरत है। गौरी हमारे बीच में नहीं आएगी अगर वो पैसा लौटा दो। ओके, यू डिसाइड। रुको, पैसे मैं दूंगा, लेकिन तुम्हारे आदमियों के डर से नहीं, उसका अलग कारण है। बट आई नीड टाइम, 2 हफ्ते का वक्त चाहिए मुझे। ठीक है, तब तक सना और गौरी ही महफूज नहीं, मिशेल भी महफूज है। गिरी, तुम्हें टाइम दे दिया। एग्रीड। पैसों के बदले उन्होंने मुझे मांगा था, और मेरे लिए इतने पैसे। किसने कहा तुम्हारे लिए? मुझे वो चाहिए जिसने पैसा लिया है, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है, तभी गौरी और मेरे बीच प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। और जो पैसा मैं डैनियल को देने वाला हूँ, उसे मैं लोन लेकर भी दे सकता हूँ, जल्द ही भरपाई कर लूंगा। भगवान, गाड़ी में ब्रेक है भी कि नहीं? क्या हुआ, क्या बात है? मिस्टर गिरी आपको पैसा देना चाहते हैं ना? वो पैसे तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हैं, मैं जानता हूँ। कौन हो तुम? आई एम एडवोकेट लॉरेंस। इस तरह रास्ता रोककर तुम केस बना रहे हो? मैं बहुत बिजी वकील हूँ, ऑफिस में बैठने का टाइम नहीं मिलता। विजिटिंग कार्ड दो। नहीं दूंगा। वो क्यों? लोग मेरा घर ढूंढकर मुझे आकर पीटते हैं, इसलिए नहीं दूंगा। ओ, ऐसा क्या? तो तुम्हें एक केस चाहिए? हाँ है तो। केस तो दूंगा, लेकिन जो मैं कहूँगा वो करना होगा। अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं कुछ भी कर सकता। नहीं तो चेक भी चलेगा। तो मिस्टर वकील, कार में बैठ जाओ, केस मैं तुम्हें बना के दूंगा। थैंक यू, बहुत अच्छा आदमी हो। अगली ट्रिप में हम वकील को वकील की स्टिकर वाली कार में भेज सकते हैं, काम जल्दी हो जाएगा। हे भगवान, लगता है मेरा समय शुरू हो गया। ए, ऐसे छोटे मोटे केस में डील नहीं करता, किसी और वकील के पास जाओ। गिरी भाई, क्या हुआ? डैनियल ने मुझे धोखा दिया है। कोई केस नहीं था मेरे ऊपर भाई, कोई केस नहीं था। डैनियल ने मुझे फंसा दिया। एक साथ 100 केस के बारे में सोच सकता था, 100 केस सुलझाने का मादा रखता था, लेकिन अपना केस कैसे सुलझाऊंगा ये मैंने कभी सोचा ही नहीं भाई। मुझे बेल नहीं मिलेगी, मैं जेल में ही सड़ता रहूंगा, वकील से मुजरिम बन गया। मिशेल को बेल मिल गई। कौन सा चक्कर चला दिया आपने? वो तो देख ही लिया कि सब कुछ ठीक हो गया। बेटा, ए रुको, जरूरत नहीं है। जी जा जी, रुकिए, मुझे उसे अगले हफ्ते का प्रोग्राम बताने दीजिए। इतनी आसानी से नहीं छूटा हूं मैं, और कभी कभी पीछे भी जाना पड़ता है। अगर मैं पीछे गया तो तुम्हारी बहन रोने वाली है, तुमने ही दोबारा मेरे खिलाफ साजिश की है। वो नहीं रोने वाली, अगर तुमने कुछ भी किया तो वो तुम्हारे मुंह पर थूकने वाली है। देखते हैं। और कर भी क्या सकते हो तुम।
तुम गौरी को इसे नहीं देना चाहते, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, वादा है। लेकिन उस लड़की की मदद लेकर तुम इस केस में मत कूदो, हम सब के लिए यही अच्छा रहेगा। हाँ पापा, उसके साथ वो बुरके वाली लड़की अब भी होगी, ये केस के लिए प्रॉब्लम है। मेरा कहना है कि गौरी की शादी जल्दी कर देनी चाहिए, कम से कम गौरी को खुश देखकर गिरी इस केस से पीछे हट जाएगा। इस परिस्थिति में बताने और करने वाली बात नहीं है, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जानी चाहिए, मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। लुक गौरी, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है ये। पापा, जो भी कारण रहा हो, मैंने पहली बार शादी के लिए मना किया था, लेकिन गिरी के साथ झगड़े के कारण ये मैटर रीओपन हो रहा है, ऐसे में कुछ करना मुश्किल है। सुना आपने, हमारी टेंशन और जिंदगी सबके लिए बड़ी है, इस नाम से हर कोई बर्बाद हो रहा है। पापा, मुझे उलझन में मत डालिए। अगर तुम्हारा जवाब ना है तो उलझन और ज्यादा बढ़ेगी बेटा। ओके, अगर तुम इस किस्से को रीओपन करना चाहती हो तो फिर तुम ये काम मेरे जीते जी कर लो, चलो चलते हैं। हेलो डैनियल, हमारे बीच में बात हुई थी, कल के दिन तुम मुझे पैसा देने वाले थे, तुम भूल गए या देना नहीं चाहते? तुम पैसे ले रहे हो कि लोन ले रहे हो जो हर वक्त डेट ही देखते रहते हो? जब मैंने कह दिया कि दे दूंगा मतलब दे दूंगा, कोई 50,000 करोड़ की बात नहीं है ये। तुम जो भी कहना चाहते हो, ये तुम्हारा आखिरी चांस है, फिर गलती नहीं होनी चाहिए। देखो मिस्टर, रेडियो जॉकी की तरह डायलॉग मत बोलो, जैसा मैं सोच रहा था वैसा हो नहीं पाया। तो कब होगा? अगले हफ्ते, नेक्स्ट संडे। ओके, अगले हफ्ते पैसा मिल जाना चाहिए, मिलते हैं नेक्स्ट संडे। यहाँ तो कोई नहीं है। कोई नहीं है, दिखता नहीं है कि हम यहाँ खड़े हैं, ठीक से काम कर रहा था, पता नहीं कौन आकर डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैंने अपना टैलेंट पहचान लिया है, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है उनके सामने खड़े होकर योर ऑनर ऑब्जेक्शन थैंक्स मिलॉर्ड कहने की। अगर मैं सच बोलूं तो अब मैं भूखा नहीं हूं, जब भी भूख लगती है जितना मन होता है पानी पी लेता हूं मैं, जिसकी वजह से ये बेचारे भूखे रह जाते हैं। गिरे भाई, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? गौरी है क्या? अभी बुलाता हूँ, दुख तो बहुत हो रहा है मुझे। दीदी, तुमसे मिलने के लिए गिरी भाई आए हुए हैं, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने उस लड़की को भगा दिया है, पक्की बात। उसे जाकर कहो मैं बिजी हूँ, मैं नहीं मिल सकती। गौरी दीदी, क्या कर रही हैं आप? अपना मुंह बंद रखो, सुना नहीं मैंने क्या कहा तुमसे? चिल्ला कर या फिर तुम्हारे पैर बांध कर ले जाने नहीं आये हूँ तुम्हें, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा है तो उस तरह की गौरी को दोबारा पैदा होना होगा। क्या कहना है जल्दी कहो और जाओ, मुझे बहुत काम है। इस पर साइन कर दो। 50 लाख रुपए? हाँ, अगर उस लड़की के पैसे सेटल नहीं हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इतने सारे पैसे सिर्फ उसके सेटलमेंट के लिए? उसका बोझ ही झेल रहे हो ना तुम, वो सत्याग्रह में बैठी आंसू जो बाहरी होगी। अब जाओ यहाँ से और जितना चाहे दे दो उसे पैसे, वो सिर्फ तुम्हारा बोझ है। भीख मांगने आए हो ना, सोचते हो कि मुझे कुछ पता नहीं है? मिशेल को जेल भेजने के लिए उसकी जरूरत है ना, उसके लिए मुझसे ही खर्च करवा रहे हो, है ना? तुम मत करो, उसे जेल भेजने के लिए मैं जो भी खर्च कर रहा हूँ तुम देखती जाओ। हाँ ठीक है, यही चाहते हो ना तुम, तो मैं भी 14 साल तक उसका इंतजार कर लूंगी। पापा, गौरी, मैं फिर से रीओपन करना चाहती हूँ, मिशेल को दिन और समय बता दो, आप जो भी मुहूर्त फाइनल करोगे मेरे लिए ठीक रहेगा। गौरी, नहीं चाहिए, तुमसे लाख गुना अच्छा तो मिशेल है, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, चले जाओ यहाँ से। पापा, पापा, आप नहीं आएंगे ना? लेकिन ये मत सोचिए मुझे हराकर आप उसकी शादी करवा देंगे, आज उसने मुझे किसी कुत्ते की तरह बाहर फेंक दिया,
अपने घर से नहीं, अपने दिल से। पापा आप तो जानते हैं हम कैसे बड़े हुए हैं। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे हराने के लिए वो एक चोर से शादी कर रही है। इस तरह हार नहीं मानूंगा मैं। ए, जाके गेट बंद करो। जाओ। ठीक है सर। मैंने क्या गलत किया उसके साथ? एक लड़की को एक्सीडेंट से बचाया इसलिए? आप जानते हैं हम घर में कैसे आए थे। सर गेट लॉक करना है। ओह मुझे यहां से भी निकाल रहे हैं। निकाल दीजिए। वैसे भी ऐसे ही आए थे यहां पर। मैं जा रहा हूं। एक एक्सीडेंट में दोनों अनाथ हो गए थे। अगर एक्सीडेंट ना होकर कोई मर्डर केस होता है तो गिरी कभी पीछे नहीं हटता। कभी पीछे नहीं हटेगा वो। गिरी ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम क्रेन गाड़ी सब बेच रहे हो? और कोई भी रास्ता नहीं बचा महेश। इसका मतलब सब जो कह रहे हैं वो सच है। किसी अनजान लड़की के लिए तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच रहे हो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जानें बचती हैं। गौरी चली गई, उससे ज्यादा बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसके सामने मुझे सच बोलना है? किसने किया पूछा तो? जब एक्सीडेंट हुआ तुमने कुछ नहीं देखा, तुम सो रही थी, ये मुझे पता है। इसके पीछे जो भी है ये केस उनके खिलाफ है। तुम इनके खिलाफ सच बोलोगी वो डर रहे हैं, वो चुप भी नहीं रहेंगे। हेलो, पूना हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है, कार में 4-5 लोग फंसे हुए हैं, आप जल्दी आ जाइए। हेलो महेश, मैं हूँ। एक एक्सीडेंट कॉल है, पूना हाईवे पे हुआ है, कॉल करो। फायर फोर्स को भी कॉल करो। तो क्या करना आके बताता हूँ। दरवाजा बंद रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हेलो। हेलो गिरी, इस जगह पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। मैंने पूरे 6-7 किलोमीटर तक अच्छे से चेक कर लिया है। छी, इतनी रात को उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया। कुछ समय पहले ही तुमने रेस्क्यू का काम छोड़ा है। लगता है किसी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है या फिर किसी की साजिश हो सकती है। कौन हो तुम? बताओ किसने भेजा तुम्हें? मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता है? मेरी फोन पर बात हुई थी, मुझे सिर्फ उसका नंबर पता है। इस फोन से कॉल किया था उन्होंने। हेलो एसआई महेश, 9820132321। इस नंबर का एड्रेस चाहिए मुझे इन्वेस्टिगेशन पर्पस। होल्ड ऑन सर। मिस्टर मिशेल पियरी, विल्ले पियरी, फ्रैंको स्ट्रीट। गिरी अब सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फाइनल है, गेम क्लीन है। वो जिंदगी भर के लिए अंदर जाएगा, मैं खुद उसे हथकड़ी पहनाऊंगा। जरा रुको, कोर्ट में तुम्हें सबूत लाना होगा। मैं गौरी के सामने प्रूव करूंगा, मैं उसे उसके सामने खड़ा करूंगा, फिर तुम उसे वहां ले जाना। देखते हैं क्या होता है।
देखो एक काम करो, उसे कॉल करो, मैं बताता हूँ कैसे पकड़ना है। उसे कॉल करके कहो कि जो पैसा मैंने खोया उसे लौटाना चाहती हूँ। क्या हुआ, खत्म कर दिया पाटिल? मैं सना बानो हूँ। वो अभी जिंदा है, भगवान ने मुझे बचा लिया। मैं नहीं मरी, वो भी इसलिए क्योंकि मैं सच बताना चाहती हूँ। मुझे कुछ और नहीं, बस कुछ पैसे चाहिए। मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। क्या कहा, पैसे चाहिए? ठीक है मिल जाएंगे। कब, कहाँ? कल। ठीक है कल। कहाँ? मिलने की जगह मैं बताऊंगा। ये कंफ्यूजन कैसे गिरी पाटिल इसमें कैसे? कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सब रिश्ते में पहले ही सोच चुका हूँ। जिस दिन पापा का लेकर स्टॉक चोरी हुआ था उसी दिन से इन सब के पीछे मिशेल है, और उस गरीब आदमी को चेक केस में फंसा दिया। गैंग के आदमियों को होते हुए वो स्टॉक चोरी नहीं कर सकता, उसने अपने बाप को ही चीट किया है। लेकिन पैसे पाटिल ला रहा है ना, तो मिशेल के खिलाफ सबूत कैसे मिलेगा? पैसे देने पर वो जरूर लेगा, और वही होगा पाटिल के साथ जालसाजी में। ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? वो गिरी क्या है तुम नहीं जानते? मैं जानता हूँ, ये देखो ये सब उस गिरी की ही देन है। जानता हूँ मैं, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानता। वही क्या, उसका बाप मिशेल कोई कुछ नहीं जानता, मैंने पता ही नहीं चलने दिया। मुझे सब पता है, वो लड़की सना उसके हाथों में बिल्कुल सेफ है, सब कुछ बाहर आ जाएगा। पहले उसकी मार से मेरी बॉडी टूट चुकी है। हे भगवान मुझे बचाना। ए, ये मत भूलो, हम लोगों को डबल प्रॉफिट मिलने वाला है। डैनियल ने तुम्हें देने के लिए जो पैसे भेजे थे वो मैंने एक्सीडेंट में चुरा लिए थे, तुम्हें पता ही है वो मरी नहीं है। और डैनियल का पैसा जो गिरी देने वाला है 50 लाख रुपए, तुम्हें लेने में डर लग रहा है? मैं डर रहा हूँ यार, मुझे गिरी से ही नहीं तुमसे भी डर लग रहा है। जैसे तुमने पीटर और मिशेल को चीट किया, मुझसे भी चीट कर सकते हो, यही मुझे डर लग रहा है। देखो तुम अपना मुंह बंद रखो, मुंबई में तुम आम बेचने आए थे, पाटिल मैंने तुम्हें बनाया, अगर मैंने पियर को चीट किया तो तुम्हें प्रॉपर्टी शेयर करने के लिए दे दी। हाँ पियर और मिशेल को कभी चीट करने की नहीं सोची मैंने, मैं क्या करता, वो खुद ही मेरे रास्ते के सामने आकर खड़े हो गए। कल गिरी को पैसे देने मैं जाऊंगा। मैं चपाती बनना नहीं चाहता। अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों ने मिलकर कॉल किया है तो हमें कपड़े की तरह फाड़ डालेगा। मुझे जेल में बैठकर दिन गिनने का कोई शौक नहीं है, समझता क्यों नहीं? पुलिस कानून मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। एक्सीडेंट की गाड़ी मिशेल के नाम पर है, गिरी के पास जो मोबाइल है उसका नंबर मिशेल के नाम पर है। हाल के दिनों में मैंने जो डीलिंग की थी उसके लिए वो पकड़ा गया और जेल चला गया। तुम ये भी जानते हो कि गौरी की शादी मैंने रुकवाई थी। वो तो चोर है, मैं शरीफ इंसान हूँ। इस अच्छे आदमी को उस गिरी ने बुरा आदमी बना दिया। इतनी आसानी से बना देगा वो मुझे बैड पर्सन? जिस आदमी का दुबई और मॉरिशस में ब्लैक मनी है वो मेरा खास आदमी है, किसी को कुछ भी दे सकता हूँ और किसी को भी मार सकता हूँ। पहले ही बहुतों को मार दिया है मैंने, मेरा भेजा सटक गया ना, गिरी को भी मार दूंगा। उसके लिए पैसे कौन देगा? गिरी के लिए मैं क्लू देता हूँ जिससे ये चैप्टर हमेशा के लिए बंद। उसे अपनी ही मौत मरने दो, और मिशेल को अब ये टेंशन लेने का टाइम नहीं है। गिरी, शादी से पहले ही गौरी को सारी सच्चाई समझानी होगी। हम सभी मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे, इस साल भी तुम्हारे लिए जरूर एक गिफ्ट खरीदा होगा उसने। हम सब गौरी को बुलाएंगे और उसे मैं समझाऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं गिरी। हैप्पी बर्थडे। कौन हो तुम? राजीव गाड़ी चलाओ। गौरी दीदी पीटर साहब के घर जा रही हैं। आज वहाँ पर बर्थडे पार्टी रखी गई है और साथ साथ में सगाई की रस्म भी है। हमने सुना है हम भी जा रहे हैं। उनको मनाने दो, जन्मदिन और सगाई, झगड़े में सब कुछ जायज है। लुई, तुम अब तक कहां पर थे? पापा इधर आइए, आपसे बात करनी है। शाम को गिरी का फोन आया था,
तब से भाग भाग कर ये पैसे इकट्ठा किया है। ऐसा नहीं होगा, उसको बोलो भाड़ में जाए, मैं पैसे देकर इस केस से बाहर नहीं आऊंगा। क्या क्या बात है? ए, कुछ नहीं, उसे भी पता चलने दीजिए कि क्या किया उसके भाई ने। अगर तुम्हारे भाई को हम पैसे दे देंगे तो वो इस केस से हमें छुटकारा दिला देगा। बात हमारी शादी और केस की नहीं है गौरी, बात पैसों की है। उसको पैसों की क्या जरूरत है? उसी के लिए चाहिए होंगे, मेरे पास भी आया था, मैंने चेक पे साइन नहीं किया। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अगर इससे प्रॉब्लम हल होती है तो हमें ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। मिशेल, तुम उसे ये देकर आओ, वो घर पर ही होगा। पापा। बेटा, कम से कम आज तो मेरी बात मान लो, हुँ? जाओ। हेलो। हाँ सना डार्लिंग, आज रात को ठीक 10 बजे पुराने रेलवे स्टेशन के सामने। हाँ हाँ गिरी, हम आ रहे हैं, और हाँ तुम नॉर्थ जंक्शन में ही रहना। हाँ, तेज आती गाड़ियों पर नजर रखना, अगर पाटिल की कार दिखे तो डिस्टेंस से उसे फॉलो करना। रात को गाड़ी रोकने का खेल चल रहा है क्या? ए, सामने से गाड़ी हटा। ओ पाटिल, ये रोड पर मेरे पास खेलने का टाइम नहीं है, गाड़ी हटाओ सामने से। देखो इसको, टाइम ही नहीं है इसके पास, हम तो बेकार लोग हैं ना, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। तुम जल्दी जाना चाहते हो ना, तुझे मैं जल्दी भेजता हूँ, चल। हेलो, मेरी बात सुनो, मिशेल जिंदा नहीं बचना चाहिए, उसने हम सबको देख लिया है। हमें गिरी को खत्म करना होगा। अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। वो जिंदा रहेगा तब ना, वो नहीं बचेगा। जब वो छोटा था तो मैंने उसे खून से उठाया था, उसे भी इसे भी, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। मैं अब बुढ़ा हो चुका हूं, लेकिन तुम तो पूछ सकते हो ना। पापा, क्या है ये? गिरी और गौरी को मैंने हमेशा अपना ही खून माना है। अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, उसने मिशेल को मारना चाहा। हमारे लिए मिशेल की जिंदगी जरूरी है, उसे माहिम हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। मैं उसकी व्यवस्था कर रहा हूँ इस वक्त, एम्बुलेंस आ रहा है, उसके बाद ही हम सब कुछ उसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर का कहना है कि 48 घंटे से पहले वो कुछ भी नहीं बता सकते, मिशेल के बचने की भी उम्मीद ना के बराबर है। कहने और करने में गलती हो गई। गौरी की जिंदगी और उसके लिए प्यार,
बस यही था मेरी जिंदगी का मकसद। अब तो तुम भी सुन चुके होगे, गौरी समझ रही है कि ये सब कुछ तुमने किया है। ये सब किसने किया और क्यों किया एक आदमी जानता है, पाटिल, वो ही बताएगा। मारो उसे। राजीव रुको, पापा के लिए हम। हाँ गौरी तुम अंदर जाओ। मुझे मत मारो, मैं सब बताता हूं। इन सब के पीछे एक ही आदमी है, वो लुईस। उसे पैसे की लालच है। पाटिल को मत मारो, लुई यही नाम बताया है ना उसने। ए गिरी, अब तक जहां जहां एक्सीडेंट होता था तुम आते थे, अब थोड़ा चेंज करते हैं। एक्सीडेंट से पहले एक कॉल। एक्सीडेंट में मरने वाले हैं तुम्हारी बहन और मिशेल, और तुम सबको बचाने आओगे। तुमने जाल बिछाया मुझे फंसाने के लिए, लेकिन मेरे जाल में तुम खुद फंस गए। यहां से बचकर जाना तुम्हारे लिए मुश्किल है। गैंग में खड़े होकर धोखा देकर शेर बन रहे हो। मुझ पर अटैक मत करो। तुमने कोशिश भी की तो तुम्हारे सामने ये एम्बुलेंस, तुम्हारी बहन मिशेल, सब कुछ खत्म हो जाएंगे। एक सिंपल एक्सीडेंट में सब कुछ खत्म कर दूंगा। ए! मार डालो इस कमीने को। हे भगवान। Thank you.
इसे मार देना चाहिए था। नहीं पापा, नहीं मारूंगा। मेरे होते बिना मदद के कोई नहीं मरेगा। अगर मरा तो मैं वहां नहीं होऊंगा। पापा, डरने की जरूरत नहीं है, आराम करो। लुइस के खिलाफ सारे पेपर रेडी हैं। मिशेल अब खतरे से बाहर है। हाँ, मैंने भी इनको ये बताया था। अच्छा? हाँ। तब भी सबका चेहरा क्यों बुझा हुआ है? प्रॉब्लम क्या है गिरी? कुछ नहीं, आज से इस फैमिली में कोई परेशानी नहीं होगी। पापा, सब कुछ ना समझे की वजह से हुआ। बेटा, ये कैसी बात कर रहे हो? परिवार में प्रॉब्लम है, उसको पैदा करने वाले सबको देख चुके हैं। हाँ पापा, ये सच है, लेकिन अब कुछ नहीं चाहिए। आज से एक भी ना समझी हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। गौरी दीदी, अब मेरा भी मकसद पूरा हो चुका है, मुझे चलना चाहिए। ओहो, तो तुम दोनों शहर से बाहर जाने की सोच रहे हो? गिरी, मैं जानती हूँ मेरी गलती के लिए तुम मुझे माफ नहीं करोगे। अगर मुझे माफ नहीं कर सकते तो तुम चले जाओ। गिरी भाई, गिरे भाई, गौरी दीदी, हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है, अगर जल्दी नहीं की तो वो मर जाएंगे। गौरी, कार में बैठो। तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? चलो तुम भी शुरू हो जाओ। चलो जल्दी कार में बैठो। वाह, चलो चल 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 बैठो। डॉक्टर, देखा एक वकील का दिमाग, एक बिखरी हुई फैमिली को मैंने कैसे मिला दिया। आज से मैं फैमिली कोर्ट की प्रैक्टिस करूंगा। उसके लिए डॉक्टर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, समझे? कैसा काम? ऑपरेशन थिएटर तैयार रखो। एक्सीडेंट बताकर नहीं होते, जब वो फैमिली वापस आएगी तो मेरी टांग के टुकड़े कर देगी। उसके लिए ऑपरेशन थिएटर तैयार रखो।